आज हम बात करेंगे वजीर फ्लैट टॉप ब्लैक एडिशन की। अब इसका नाम ब्लैक एडिशन ही है और वजीर ब्लैक एडिशन इसको बोलते हैं, और फ्लैट टॉप और राउंडेड टॉप दो वर्जन में अवेलेबल है ये। वजीर इंडिया की सबसे नई फाउंटेन पेन कंपनी आप कह सकते हैं उसको, है 2020, लगभग 1.5-2 साल हुए हैं, 2 साल हुए हैं इस कंपनी को मार्केट में आए हुए, और इनका प्रोडक्ट रेंज काफ़ी अच्छा है। मेरे नज़र में ये उनका जो इनिशियल पेन है, ये उन्होंने सबसे पहले एक फ्लैट टॉप वर्जन ही बनाया था और ये उनका फ्लैगशिप पेन था एक टाइम पर। ये काफ़ी नज़र में थी, इसको ख़रीदा नहीं था मैंने, बट फाइनली मैंने मंगवा लिया। और आप वज़ीर के वेबसाइट में भी जा सकते हैं और उनके प्रोडक्ट्स देख सकते हैं। जिस तरह से पेन प्राइज्ड हैं, मुझे लगता है कि ये इंटरनेशनल मार्केट के लिए ज़्यादा है और थोड़े ओवर प्राइस लेंगे आपको, बट हैंड क्राफ्टेड पेंस हैं, बढ़िया मटेरियल ये यूज़ करते हैं। जो इनके निब्स हैं, आपको कोई योवो या फिर बॉक निब्स ऐसे लगेंगे नहीं कि उन्होंने बाहर से ख़रीद के इंस्टॉल कर दिया है। इनके निब्स खुद के ग्राइंड किए हुए ऐसे लगते हैं, अभी देखेंगे बाद में पता चलेगा। ज़्यादा इनके बारे में इंफॉर्मेशन अवेलेबल नहीं है मार्केट में अभी, तो ये तो कहानी कंपनी की हो गई। जो पेन है उसको खोलेंगे और डिटेल में इसके बारे में बात करेंगे, लेकिन एक इम्पॉर्टेंट बात उससे पहले, इसका जो पैकेजिंग है आप देखेंगे, ये फ्लोटिंग इन द एयर स्टाइल वाली पैकेजिंग है, जो काफ़ी इंटरेस्टिंग लगी मुझे। जितनी अच्छी ये पैकेजिंग है, उतना अच्छा ये पेन है कि नहीं, ये अब खोल के देखेंगे, ट्राई करेंगे, एक राइटिंग सैंपल लेंगे, पता चलेगा कि एग्जैक्टली है क्या इसमें। ये है वज़ीर फ्लैट टॉप ब्लैक एडिशन, और यहाँ पर आप देख सकते हैं कि इसका वज़ीर का लोगो भी बना हुआ है। वज़ीर चेस में क्वीन को वज़ीर कहते हैं, वज़ीर का मतलब होता है मंत्री, आपने सुना होगा वज़ीर आज़म मतलब प्रधानमंत्री, तो वो लोगो भी बना है। इनफैक्ट यहाँ पर एक और छोटा सा वज़ीर भी लिखा हुआ है यहाँ पर। सो ये इस पेन में तो ब्रांडिंग की बात हो गई। छूने में ये पेन बहुत ज़्यादा प्रीमियम फील होता है, प्लास्टिक की फील नहीं होता, चीप फील नहीं होता है, और बिल्कुल ऐसा एहसास नहीं हो रहा है। इसका क्लिप भी, वो क्लिप तो काफ़ी फ्लेक्सिबल है, काफ़ी फ्लेक्सिबल क्लिप है। इसको मैं पहली बार इनफैक्ट ट्राई कर रहा हूँ, अभी डिस्कस कर रहे हैं हम, क्योंकि लाने के बाद ये जब से आया हुआ है पड़ा हुआ था ऐसे ही, और इसको मैंने खोला भी नहीं था। थोड़ा मोटा है, इसका जो डायमीटर है बैरल का वो ज़्यादा होगा, आपको एक मार्कर से कंपेयर करके देख सकते हैं। कुछ कुछ जगहों पे मार्कर मार्कर से कम है इस मार्कर से, बट ज़्यादा भी कम नहीं है, तो थोड़ा मोटा है, बट इतना कोई बड़ा भी नहीं है, और आइडियल साइज़ लग रहा है मुझे तो, लिखने के लिए काफ़ी सही साइज़ होगा। अब इसको खोल के देखते हैं। बैरल जो है यहाँ कुछ यहाँ तक सिलिंड्रिकल है, उसके बाद टेपर्ड है, और सिमिलरली कैप भी थोड़ा सा ऊपर साइड में यहाँ पर टेपर्ड टेपरिंग हो रखी है। इसको खोल के देखते हैं। एक दो तीन चार, 4.5। अब ये प्रॉब्लम होती है हैंड क्राफ्टेड पेन्स के, इंडिया के जो पेन्स होते हैं उनकी, इसमें नंबर ऑफ थ्रेड्स ज़्यादा होते हैं। ये जनरली देखा गया है कि इसको खोलने में काफ़ी मेहनत लगती है, ये भी 4.5 टर्न्स के बाद ही खुलता है, काफ़ी सारे थ्रेड्स हैं। क्लिप के बारे में और कुछ, क्लिप एंड कैप के बारे में और कुछ यहाँ पर है नहीं। सिंपल सिंपल तो नहीं, बट बढ़िया कैप है, स्क्रू कैप है, तो अंदर कोई अंदर भी देख सकते हैं, हाथ से मशीन की हुई है, तो शायद उसके कुछ आपको मार्क्स मिले हैं? नहीं है बिल्कुल। एनीवे, अब आते हैं सेक्शन पे। सेक्शन जो है नॉर्मल जो पेन्स होते हैं उससे थोड़ा लंबा है, और ये सेक्शन यहाँ से नीचे जाते हुए जाते जाते फ्लेयर करता है, ऊपर खुल जाता है। सो इस तरह के पेन्स में ग्रिप बढ़िया होती है, ये आप पकड़ेंगे जो इंडियन ग्रिप होता है उसके लिए काफ़ी अच्छा होता है कि आपका पेन फिसलेगा नहीं, नीचे जाएगा नहीं हाथ। और जो निब है वो नंबर 5 है, मैंने ब्रॉड बनाया था। ये जो निब देख रहे हैं आप इसका, इसमें बी लिखा हुआ है, वजीर है, और ये ब्रॉड है, और मुझे लगता है इन्होंने ये निब
ये निब यूनिट, या तो ये खुद बनाते हैं, इंडियन मैन्युफैक्चर्ड निब यूनिट है, बाहर से तो शायद ही मंगाते होंगे वे लोग, क्योंकि कॉस्ट इफेक्टिव नहीं रह जाता। तो एक अच्छी बात है क्योंकि इंडिया में निब मैन्युफैक्चरर्स कम ही हैं, कॉनराइट है जो मैं जानता हूँ, एक दो और हैं, बट निब के लिए हम यूजुअली निब यूनिट्स जो वो और बॉक के ऊपर डिपेंडेंट रहते हैं, तो वहाँ के निब यूनिट होते हैं। ये नंबर सिक्स नहीं है, नंबर फाइव है, स्लाइटली छोटा। बैरल के बारे में मैंने बात है, इसको खोल के देखते हैं। यहाँ पर भी काफी सारे थ्रेड्स हैं, और अंदर ये देखिए, अंदर भी आपको जर्मन टेक्नोलॉजी मिल गया। ये है श्मिट कन्वर्टर, जो कि इनका कन्वर्टर नहीं है। तो ये श्मिट आजकल काफी स्टैंडर्ड कन्वर्टर हो गया है। अच्छी बात है कि ये कन्वर्टर में अवेलेबल है, अदरवाइज इंडियन जो पेन्स होते हैं मोस्टली आई ड्रॉपर अवेलेबल यूज होते थे पहले, जो कि बिल्कुल आप लिखते हैं तो दाग धब्बे हो जाने मेसी हो जाता है। कम से कम अब ये सारे मैन्युफैक्चरर्स भी कन्वर्टर देते हैं और श्मिट कन्वर्टर यूज करने लगे हैं। ये पेन बहुत ही बढ़िया है, अभी तक तो इसको पकड़ने में, यूज करने में, मेरे ख्याल से यूज करने में भी काफी इंटरेस्टिंग होगा। पोस्ट करके देखते हैं कितना, ओ ज्यादा बड़ा हो रहा है, पोस्ट करने में उतना, देखिए काफी बड़ा है, छोटा मतलब ढंग से पोस्ट नहीं हो रहा है, ढंग से पोस्ट नहीं हो रहे का मतलब पोस्ट मतलब फिट हो जा रहा है, बट ये जो पीस है इसमें काफी दूर तक अंदर नहीं जा रहा है। उससे होगा ये टिल्ट करेगा आपका पेन, मतलब प्रेशर इधर आएगा, वेट इधर आ जाएगा, सेंटर ऑफ ग्रेविटी शिफ्ट कर जाएगा, लेकिन और ये काफी बड़ा दिखेगा मेरे जैसे छोटे हाथ वालों के लिए। तो पोस्टिंग का मैं सजेस्ट नहीं करूंगा, आप बिना पोस्ट करे भी इसमें बढ़िया से लिख सकते हैं। ब्रॉड निब है, प्लास्टिक फीड है। अब इसका एक राइटिंग सैंपल देखते हैं और समझते हैं कि इस पेन इतनी खूबसूरत दिख रही है, उतनी खूबसूरत लिखती है कि नहीं। आइए अब लिख के देखते हैं। तो मेरे पास पेन है वजीर फ्लैट टॉप ब्लैक, इंक मेरे पास ये ब्लैक है कलर इसका, लेकिन मुझे ये पता नहीं कि इसमें इंक है किसका, क्योंकि मैंने इस पे डाला है कार्ट्रिज, मैंने जो श्मिट कन्वर्टर है उसको इंक नहीं किया, और मेरे पास मेरे जो इंक का जो सेट है वो अभी एक्सेस नहीं है जिस जगह पे मैं हूँ, तो मैंने एक नॉर्मल कार्ट्रिज यूज़ किया है और ये ब्लैक कार्ट्रिज है, और पेपर नाइटिंगेल ही है, लेकिन इसमें अभी जो लिखावट आ रही है उससे ये लग रहा है कि यहाँ पर फेदरिंग और थोड़ी फ्लेयर्स इसमें हो रहे हैं। आप देखेंगे क्लोजली, मैं इसको दिखाऊंगा, तो जो स्ट्रोक्स बन रहे हैं वो तो काफ़ी स्मूथ हैं, अपवर्ड्स डाउनवर्ड्स सारे स्ट्रोक्स काफ़ी स्मूथ हैं, फ्लेक्स नहीं है लेकिन स्ट्रोक्स अच्छे हैं, तो लिखावट तो काफी अच्छी आ रही है इसमें। थोड़ा और लिख के देखते हैं। लेकिन शायद इसमें इंक का डिपॉजिट ज़्यादा हो रहा है, या क्योंकि ये ब्रॉड निब है, ब्रॉड निब है, तो या तो ये जो इंक काफ़ी ज़्यादा फ्लूइड है या डिपॉजिट ज़्यादा हो रहा है, या पेपर इसको संभाल नहीं पा रहे, थोड़ा सा फेदरिंग आप देखेंगे हो रहा है, थोड़ा फैल रहा है इंक पेपर में, यहाँ देखिए इसको।
थोड़ा फैल गया है। तो ये पेपर इंक और निब का कॉम्बिनेशन हो सकता है, बट ओवरऑल राइटिंग काफ़ी अच्छी है, स्मूथ है, थोड़ा फीडबैक है, बट लिखने में काफ़ी अच्छा लग रहा है। और पेन का जो ओवरऑल फीलिंग है हाथ में, वो जैसे कि मैंने पहले कहा, काफ़ी प्रीमियम फील कराता है। तो बढ़िया पेन है, वज़ीर के लाइनअप में ये मेरे ख्याल से उनके अर्लीस्ट पेन्स में थे। हाँ, उनके पास अभी काफ़ी सारे पेन्स का कैटलॉग में काफ़ी सारे उनके पेन्स आपको देखने को मिलेंगे, और काफ़ी नई कंपनी है, तो आई होप ये आगे जाके अच्छा करें और खूब सारे अच्छे पेन्स बनाएं और इंडिया में फाउंटेन पेन्स को फिर से पॉपुलर करें। थैंक यू सो मच।